करीब 2001 से फर्स्ट टाइम जब मानव संग्रहालय वालों का वर्कशॉप था यहाँ अमरकंटक नवोदय विद्यालय में, उस टाइम मैं जानता भी नहीं था कि ये कैसा होता है। उसके बाद मैं भोपाल चला गया, मतलब मेहमानी में, रिश्तेदारी में, तो सबको देख रहे थे कि वहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे हफ्ता भर वहीं रुका, फिर थोड़ा थोड़ा मतलब करते करते फिर उन्हीं के साथ फिर मैंने 7-8 साल कंटिन्यू किया। अब तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, नए नए जगह जाने को भी मिलता है, तो और अच्छा लगता है, उत्साह बढ़ता है। बस ऐसे ही सोचा, और सबसे मेरा बड़ा थीम है एक पर्यावरण, कुछ पेंटिंग के थ्रू कुछ संदेश देना। ज़्यादातर मैं किस्से कहानी ये सब में नहीं जाता हूँ, पेड़ पहाड़ चिड़िया और जैसे पानी का भी है, काफ़ी पेंटिंग बनाया हूँ। अब जैसे हमारे मोहल्ले पे, मतलब हमारे गांव पे बहुत सारा पेड़ था, धीरे 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 करके वो कम होते जा रहे हैं मेरे देखते ही देखते। तो ये भी चाहता हूँ कि यार जैसे हमारे जानवर भी रहते थे हमारे गाँव पर ही, ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि जंगल की बात नहीं है, अब वो नहीं है। जैसे तेंदुआ मैंने देखा है 2 बार, ये करीब 12-13 साल पहले, तो लेकिन अब उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो कैसे रहेंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ चला रहा था गाय, अभी तो छूट गया, नहीं तो मैं रोज़ाना मेरा वही पेशा है, रोज़ सुबह गाय चराना शाम तक पूरा। तो एक बार जैसे यहाँ पर जो झुंड है, वैसा यहाँ बहुत बड़ा था वहाँ पर, और मैं रोज़ आता था यहाँ पर, लेकिन मुझे पता नहीं रहता था कि वहाँ तेंदुआ रहता है। फिर दूसरे गांव वाले वो भी गाय चराते थे, उन्होंने देखा एकदम से, फिर आग जलाए, फिर वो निकल के भागा इधर। ऐसे ऐसे 2 बार, एक बार फिर मैं वहाँ था, उस बार भी वैसे ही देखा, तो उस वो पता नहीं उसको रोज़ का आना जाना था पता नहीं, और शायद वो जगह आज रहता तो शायद फिर यहाँ आते शेर तेंदुआ जो भी है, लेकिन वो जगह ही जब हम ही लोगों ने उजाड़ दिया तो वो कहाँ से आएगा, कहाँ रहेगा। चिड़ियों की वजह से हमें यहाँ रखवाली करना पड़ता था, और आज वो चिड़ियों नहीं होने के कारण हम रखवाली भी नहीं आते हैं। वही दिमाग में आया कि कुछ सोच के कैसे बनाना चाहिए, कि शायद एक संदेश के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू यही कोशिश किया था। और कोई नहीं सोचता ऐसा कि मैं कुछ खुद से करूँ, वो दूसरे के ऊपर छोड़ता रहेगा। अगर मैं यहाँ से पेड़ काटूँ तो कोई नहीं सोचे कि मैं दूसरा लगाऊँ। यही सोच सोच के काफ़ी कुछ ऐसे मैंने पेड़ के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग बनाए हैं। एक जैसे हम लकड़ी लेने जंगल जाते हैं, पहले जाते तो पास मिल जाती लकड़ी, अब बहुत अंदर चले जाओ फिर भी नहीं मिलते हैं लकड़ी। वही सोच के एक पेंटिंग भी बनाया मैंने कि जो जानवर हैं, जानवर कहाँ रहेंगे, और रहना भी तो है उनको, लेकिन हम रहने देंगे तब ना रहेंगे वो। उसी भी फोकस करके मैंने कि सबको सबमिट करके एक पेंटिंग बनाया था, सारे जानवर इकट्ठा ऐसे करके, और छोटा सा एक पेड़, उसको पहाड़ बना दिया था, पेड़ को पहाड़, और मतलब सब जानवर एक ही साथ एडजस्ट कर रहे हैं मजबूरी में।